फिलहाल रिंग से आया हुआ हूँ, आप देख सकते। और इतनी तेज धूप चल रही है कि हालत खराब हो गई है। से गलती हो गई, मैं स्लीपर पहन करी। दोस्तों रात के 10:45 हो रहे हैं, अभी फिलहाल बिजली गई हुई है। हाय गाइस, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। आई होप गाइस यू आर एब्सोल्युटली फाइन। दोस्तों मॉर्निंग के 6 बज रहे हैं आज। मैं मॉर्निंग में जल्दी ही उठ गया था क्योंकि आपको सनराइज का दृश्य दिखाना है। अभी तक सनराइज ही नहीं हुआ है, जब होगा मैं तब दिखाऊंगा। और मॉर्निंग में दोस्तों मैं तरफ केवल पक्षियों की आवाज़ें आती हैं, मैं आपको दिखाता हूँ पक्षियों को, आप देखो और इन्जॉय करो। ये देखो गाइस, केवल चारों तरफ पक्षियों की आवाजें आ रही हैं। दोस्तों सुबह की तरफ तो हमारी तरफ इतनी ज्यादा गर्मी नहीं पड़ती है, पर दोपहर को काफी ज्यादा हालत खराब हो जाती है। अभी कुछ दिन पहले तो बरसात हुई थी, जिसके कारण 2-3 दिन तो गर्मी में आराम था, गर्मी काफी कम हो गई थी। तो मैं उसका वीडियो दिखाता हूँ आपको, आप वो वीडियो देख के आना। बरसात हुई थी उस दिन काफी तेज बरसात हुई थी। दोस्तों आज देखो काफी तेज बरसात आ रही है आंधी के साथ। ये देखो यहाँ अंदर तक आ रही है बारिश। दोस्तों काफी तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है, यहाँ अंदर तक आ रहा है पानी। और ये देखो आप, दोस्तों मैं यहाँ अंदर खड़े होकर वीडियो बना रहा हूँ, पूरा भीग चुका हूँ क्योंकि हवा के साथ पानी अंदर तक आ रहा था। और ये देखो बरसात हो रही है बाहर। दोस्तों ये इस सीजन की पहली बरसात है, अब गर्मी में भी थोड़ा कमी देखने को मिलेगी। दोस्तों आपने अभी जो वीडियो देखा है ना, उस दिन काफी तेज हवाओं के साथ बारिश हुई थी, जिस कारण तो 2-3 दिन के लिए गर्मी से राहत मिल गई थी। पर दोस्तों अभी 13 मई तक फिर से हीट वेव का अलर्ट जारी किया है, 13 मई तक काफी ज्यादा गर्मी पड़ने वाली है। और आज अभी तो सुबह के 10 बजे हैं और काफी तेज धूप निकल रही है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो दोस्तों काफी तेज धूप निकल रही है, सूर्य भगवान अपने पूरे प्रकोप के साथ हैं, आप चारों तरफ देख सकते हो। दोस्तों शाम के 4 बज रहे हैं और इस वक्त टेम्परेचर हो रहा है 44 डिग्री सेल्सियस। काफ़ी तेज गर्म हवाएं चल रही हैं, जिन्हें लू भी बोलते हैं, तो काफ़ी तेज लू लग रही हैं। फिलहाल मैं घर से बाहर आया हुआ था तो घर चलता हूँ जल्दी से। दोस्तों रात के 10:45 हो रहे हैं, अभी फिलहाल बिजली गई हुई है, काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग रही है, इस कारण मैं बाहर ही बैठा हुआ हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो दोस्तों चारों तरफ बिल्कुल अंधेरा है, कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। और ये देखो दोस्तों मून कितना प्यारा लग रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ अच्छे से। ये देखो दोस्तों तो इतनी ज्यादा गर्मी, ऊपर से फिर बिजली की कटौती, काफी ज्यादा हालत खराब हो जाती है गर्मी के कारण। अभी फिलहाल बिजली कटौती चल रही है, पिछले 1 घंटे से बिजली गई हुई है और पता नहीं कब आएगी। दोस्तों तो मैं आपको सुबह ही मिलूंगा। दोस्तों मैं भैया को छोड़ने रिंग से आया हुआ था, रात को लाइट काफी लेट आई थी, फिर मैं सो गया था। अब अगले दिन ही ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, मैं फिलहाल रिंग से आया हुआ हूँ। फिलहाल घर जा रहा हूँ, तो घर चलता हूँ और फिर घर ही मिलता हूँ। मैं बाइक से आया हूँ, इस कारण मैं ब्लॉगिंग ज़्यादा नहीं कर पाऊँगा क्योंकि दोस्तों एक हाथ से बाइक चलाना और एक हाथ से वीडियो शूट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है।
दोस्तों ये रिंगा से श्री माधोपुर जाने वाला रोड है और हमें यहाँ से राइट साइड में घूमना है, तो चलते हैं। दोस्तों ये मेरोली गांव है और यहाँ से हमारी घर 7 किलोमीटर दूर है। और दोस्तों आज तो इतनी ज्यादा धूप है, पूछो मत, इतनी तेज बाइक पर धूप लग रही है। दोस्तों 3:30 हो रहे हैं और इतनी तेज लू चल रही है कि हालत खराब हो गई है। बाइक चलाते वक्त काफी तेज लू लग रही थी और दोस्तों आज मुझसे एक गलती हो गई। दोस्तों मैं स्लीपर पहन कर चला गया, पैरों में इतनी तेज धूप के झटके लग रहे थे, पूछो मत, एक तो इंजन की हीट लग रही थी और ऊपर से इतनी ज्यादा लू थी कि पूछो मत। मैं घर से फिलहाल थोड़ी दूर हूँ तो घर जा रहा हूँ। गाइस शाम के 7 बज रहे हैं और सनसेट हो गया है और हल्का हल्का अंधेरा भी होने लग गया है। तो गाइस अब इस ब्लॉग को यहीं पेंट करते हैं। गाइस आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर सकते हो और ना डिसलाइक भी कर सकते हो। और दोस्तों कमेंट करके बताना कि ये ब्लॉग कैसा लगा। और डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम आईडी का लिंक है, वहाँ से मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। और आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं इसी नई ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।